रेड अलर्ट, ये दो वर्ड्स सुनते ही सबको टेंशन हो जाता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं IELTS स्टूडेंट्स के लिए। यस, माई नेम इज़ मनमीत और मैं एक सर्टिफाइड IELTS ट्रेनर हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर साल एब्रॉड स्टडी करने बहुत सारे बच्चे इंडिया से जाते हैं? इनफैक्ट इनमें से काफ़ी बच्चे तो वहाँ हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं। मगर जैसे ही कोरोना वायरस का अटैक हुआ चाइना में दिसंबर में, धीरे धीरे बच्चों को समझ में आने लग गया ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये वायरस बहुत ही डेंजरस है और हमें अपने देश चलना चाहिए। एंड इनफैक्ट हर पेरेंट यही चाहता था कि जब ये चीज़ हो रही हो तो उनका बच्चा उनके पास हो। कोरोना फैला हुआ है, इतनी सारी कंट्रीज़ में रोज़ डेथ की न्यूज़ आ रही है, मगर ऐसा क्या किया इन बच्चों ने कि मुझे इनके लिए रेड अलर्ट वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इन बच्चों ने, जब इन्होंने प्लान किया मार्च में कि हमें इंडिया आ जाना चाहिए बिकॉज वायरस का अटैक हर जगह बढ़ता जा रहा है, तो इन लोगों ने पूरे के पूरे फ्लाइट प्लान्स को स्टडी किया और पता किया कि इंडियन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कर रही है। इनफैक्ट उस समय कई जगहों पे लोगों को एक एक दिन वेट करना पड़ रहा था, तो इन लोगों ने रूट्स चेंज किए और इंडिया में उस कंट्री से एंटर किया ही नहीं जहाँ पे कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ था। तो इन बच्चों ने किया क्या, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब जानते हैं कि अमेरिका से जो फ़्लाइट्स आ रही थी उनकी चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी, मगर दुबई से अगर फ़्लाइट्स आ रही थी तो वहाँ पे कुछ भी कोरोना वायरस जैसा था ही नहीं, तो वहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। तो इन लोगों ने इंडिया में एंटर करने के लिए ऐसी प्लेसेस ढूंढी। यही नहीं, बल्कि जब इन बच्चों ने देखा कि इनमें से कुछ बच्चों को फीवर आ रहा है, तो इन लोगों ने फ़्लाइट लैंड करने से 1.5 घंटा पहले क्रोसिन की टैबलेट खाना शुरू कर दिया, सो दैट जब चेकअप गवर्नमेंट करे तो फीवर आए ही नहीं। क्या ये समझदारी थी या बेवकूफ़ी? क्या ये करना सही था? और ये सिर्फ बच्चों ने नहीं, काफ़ी बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन ने भी किया। हम सब जानते हैं कि इस टेस्ट को लेके हम सबके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन तो हो जाती। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे डर गए होंगे या बड़े डर गए होंगे कि उनको अकेले एक कमरे में 15 दिन तक लॉक कर दिया जाएगा और टेस्ट होंगे, मगर क्या आपने सोचा कि ये करने के बाद आपने कितनी बड़ी मुसीबत अपनी कंट्री में लाई है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ठीक हो गए होंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, मगर एक इंसान भी जब बीमार हो रहा है तो वो पूरे के पूरे स्टेट को थ्रेट में डाल रहा है। ऐसा ही केस हमारे यहाँ पे भी हुआ है। एक स्टूडेंट आई है लंदन से एंड नाउ शी इज़ इन हॉस्पिटल। अगर आप सही टाइम पे पता करके हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे तो आप ना सिर्फ अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, अपनी सोसाइटी, अपने स्टेट नहीं बल्कि पूरी कंट्री को सेव करते हैं। जो हुआ उसको भूल जाइए, बट अगर अभी भी ऐसे लोग बाहर घूम रहे हैं या घर में छुप के रह रहे हैं और फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट मत कीजिए। मेरी अपील है, पीएम मोदी को सपोर्ट कीजिए। उन्होंने इतने अच्छे स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं कि इंडिया इस बीमारी से आसानी से जीत जाएगा, मगर हम सबको आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप बीमार हैं और आप अपने घर में चुपचाप रह रहे हैं तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए। प्लीज़ ऐसा मत करो ना, और हम सबको सेव करो ना। जय हिंद, जय भारत।